थार लेके जा रहा हूँ, थार लेके जाओ और थार चढ़ेगी वहां पहाड़ पे। 4x4 का आज इसके लिए मैं कुछ करने जा रहा हूँ। फिलहाल आप देख सकते हो अपनी बीस्ट को, देखो कैसे खड़ी है, आज तो चमा चम कर रही है, नहाई आज तो भाई। आज देखते हैं इसकी पूरी लुक, क्योंकि बहुत दिनों के बाद धोई है, कपड़ा वपड़ा साफ भी आयो, वाह वाह चमक रही है। अगर तुम्हें कैमरे में दिखना रहा है ढंग से देखना, मैं शक्ल दिखाता हूँ लोगों को, दिख गया शीशे में तो भी दिख रहा हूँ भाई। ओह नाइस, तो मतलब फिलहाल बढ़िया चमक आ रही है। आज इसके लिए मैं कुछ करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, जैसे कि तुम देख सकते हो टेम्परेरी नंबर जो ये है, इसको अब हटवा देते हैं, बहुत दिनों नीचे कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ मैं तुम्हें। तो गाइस जो मैं आप चीजों को समझाने वाला था वो बात ये थी कि मैं फिलहाल इसकी जो मतलब कि अपना जो 0004 है जो थार पे चढ़वाना है उसके लिए डीडी कटवाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो डीडी कट जाएगा बैंक तक, क्योंकि मैं हो सकता है आज निकल जाऊं कल निकल जाऊं घूमने के लिए, मुझे उसका कोई पता नहीं है। तो आप ये ले भाई, ये भाई ये चल दी है अपनी हबीबी, और जैसा कि तुम देख सकते हो 0004 जो ये नंबर है वही नंबर अपनी इस पे चलेगी, इस पे चढ़ेगा इस पे। लो अभी दिखाता हूँ तुम्हें, मनीष शर्मा से मिलवाता हूँ। हाँ अरे बाबा भैया बिग फैन, थैंक यू। कहाँ चल दिया, सुन चमक रही है ना गाड़ी, मैं इसके लिए वो लेकर जा रहा हूँ। हो रही है थोड़ी सी, तो मैंने नीचे दिखी ना, मैं कह रहा हूँ डीडी कटवा के लेकर आऊ मैं। अच्छा 0004 का नंबर तो तू जाएगा ना लेन, जाऊंगा तो मैं, पर होगी वो क्या क्या नाम है, कागज वागज सब कुछ सेट है, सीरीज एक दो दिन में शुरू हो जाएगी तो मैं घूमने निकल जाऊंगा। ओके ओके ब्रो, ओके तू कहाँ चला, कहाँ जा रहे घूमने, मैं जा रहा हूँ वहाँ, फाइनल हो गई, हाँ चलो हम भी जा रहे हैं। कद तू कब जा रहा, कल आज आज रात में, हाँ तो मैं कल जा रहा हूँ। अजी हाँ तू आज जा रहा है, कल मम्मी जा रही है, मैं परसों जा रहा हूँ। परसों के घर पे, कल ही चला जा तू भी, देखता हूँ कल या परसों में जा रहा हूँ। चल ठीक है, तो कहाँ जा, कहाँ जा, एक बार जा रहा, ठीक है। वैसे देखना यार गाड़ी तो लगे है ना, कुछ लगे है कि चल रहा है, साइड लुक दिखाता हूँ, ये देखना यार प्यारी सी लगे है, मतलब कि हाँ ऊपर से 0004 अब इस पे भी आ जाएगा तो मजा आ जाएगा भाई, थार पे भी आने के बाद। हमारा जो गाँव है सोसाइटी से ये थोड़ी दूर है, लेकिन उसके दो रास्ते हैं, ठीक है। एक तो ये वाला है, ये पूरा ही यार टूटा पड़ा है वहां तक लेके वहां तक, लेकिन और जो रोड वाला है वो नु लगा लो तुम, ट्रैफिक कितना हो जावे, आधे घंटा वहां रेड लाइट पर खड़े रहो। तो आज मैं इस साइड से आया हूँ क्योंकि थार लेके आया हूँ, तो भाई कुछ तो इसका यूज करूं, नहीं 4x4 लगा के चढ़ा दूं क्या इसको कहीं, ऐसा मन करा है कई बार तो इसे, मतलब मेरे दिमाग में पता ना के चलता रहे। अब जैसे मैं पहाड़ पर जा रहा हूँ तो इसी ने लेके जाऊंगा, पर यार इस पे इसने ले तो जाऊं, जो पीछे बैठा है ना वो फिर कह रहे यार क्या है यार ये। तो भाई दो सीट रहे, टू सीट रहे, एक यहाँ एक यहाँ, बस थार का इतना ही वो हो सकता है, मतलब टू सीटर ही है थार, अगर जो कोई पीछे बैठ जा रहा है ना तो पीछे तो हालत खराब हो जाए भाई। एक तो यहाँ गाड़ी इनके लिए ना वो ना मिले पार्किंग, और पार्किंग मिल जावे तो कोई ना कोई अड़ा के चला जावे, तो इसलिए बड़ी सेफ खड़ी करनी पड़ेगी हमें। अब यार यहाँ तक थोड़ा सा देखिए उसी सब टूटा पड़ा भाई का, अब मैं खोलूंगा ना तो इसमें लगेगी, मुझे बड़ा इस चीज में वो रहा है कि उतरू कैसे। मैंने अभी देखी जैसे कि देखो इसमें ये वो कुछ बबल सा बन रहा है ना, ये सब चीजें अभी ठीक होनी है, और एक जगह और देखी थी मैंने, कहा देखो जैसे तरसूल से लग रहा है, दिख रहा है तुम्हें ये कहाँ गई, ये चीजें भी थोड़ी थोड़ी सी ठीक होनी है, हो जाएंगी जल्दी, मतलब उसमें भाई ने बुलाया हूँ तो जाऊंगा एक आध दिन में, अभी फिलहाल के लिए तुम लुक देख लो भाई सेट लग रही है। तो गाइस फिलहाल मैं अपना डीडी बनवा के ले आया हूँ बैंक से, और यू बनाया अभी फिलहाल 1,00,000 रुपए का, जो इसकी पर्ची रहे ना वो 1,00,000 रुपए की कटती है, मतलब जो 0004 है इसकी कटती है पर्ची, जो सरकारी फीस होती है 1,00,000 रुपए, ठीक है। एक ही हाँ एक ही रहे, और जो आगे जैसे वन होगा वन का है 5,00,000 रुपए का, मतलब जो सरकारी कटनी ही कटनी है, उसके बाद जितनी भी बोली लगेगी ना तो भाई वो बोली के हिसाब से रहेगा। अब जैसे पिछले में हमने क्या करा था, डीडी जमा कर दिया, उसके बाद जितनी बोली लगी, बोली जो जो लगाएंगे तो भाई बोली लगती है। मैं जाना चाहता हूँ पहली बात तो एक बार उस चंडीगढ़ की, भाई देखते हैं कि बोली कैसे लगती है कैसे ना लगती, तो देखते हैं अब की बार मैं जाऊँ या मनी जाए। मैं अगर मैं गया तो भाई मैं तो बोली लगाऊंगा, बढ़िया मजा आ जाएगा बोली लगाने में, मेरे हिसाब से तो मनीष ही जाएगा क्योंकि मैं चला जाऊंगा घूमने, वो भी कह रहा है वैसे तो परसों की, मैं परसों निकल जाऊंगा, देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। यो वाला जो टूर है ना वो ज्यादा लंबा ना है, 2-3-4 दिन का ही है, क्योंकि होली आ रही है, होली पे मैं अपने घर रहूंगा,
तो समझ रहे हो तुम, होली से पहले ही अपने घर आ जाएंगे। तो अब फिलहाल चलते हैं बाल कटवाने के लिए। दाढ़ी तो मैंने सेट करवा ली थी, परसों करवाई थी, 1 तारीख ने करवा ली थी, आज 3 तारीख है। तो बाल की कह रहा था कि बाल भी काट देता हूँ, लेकिन मेरे पे उस टाइम टाइम नहीं था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी में निकलगा। आज जाके मैं अपने बाल वाल सेट करवाया था, उसके बाद देखते हैं कि क्या लुक आता है क्या नहीं। यार वैसे तो सही आ रहा है लुक, अभी मैं चाह ना रहा कि मैं ये साइड वाले छोटे करवाऊं, पर वो कर देगा, जाते ही करेगा। सबसे पहला काम क्या रहता है उसके, कि ये बाल ऐसे ऐसे करके इन ऐसे करके बंद करे, और ये जो बाहर निकल रहे हैं ना बाल, इन्हें काट देगा। तो देखते हैं। गाइस देख सकते हो आप लोग, अभी अंधेरा हो चुका है और मैं जब सलून में गया था तब था दिन, ठीक है। उसके बाद मैंने कटिंग कराई, हेड मसाज कराई, भाई हेड मसाज कराते कराते मैं सो गया, मतलब इतना मजा आ रहा था ना आर पार। अभी फिलहाल के लिए तुम मेरा लुक देख सकते हो कि कितना सेक्सी लग रहा हूं मैं, है ना, लग रहा हूंगा ना। तो अभी फिलहाल मैंने अपने कटिंग वटिंग करा लिया, बाल सेट करवा लिए, अब मैं निकलूंगा। मेरे पास 2 बार फोन आ चुका संदीप कर पटियाला के, भाई कहाँ रहेगा कहाँ रहेगा। मैं भाई बस नू लगा लो तुम, 8:30 बजे तक निकल लेंगे। तो अब मैं जा रहा हूँ सीधा घर, घर से उठाऊंगा अपने कपड़े, नहाऊं बिना, मैं बिना नहाए निकल जाऊंगा यहाँ तक। मैं संदीप और पटियाला तीनों निकलेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि और पंडा वंडा के बस में अगर रहे ना तो हम जिंदगी में भाई कभी भी ना जा सके, कभी भी घूमन ना जा सके। तो फिलहाल के लिए हम निकल रहे हैं, मैं एक बार घर चला जाता हूँ, मम्मी को बता देता हूँ कि मम्मी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मम्मी ने व्लॉग देखा होगा, सोचे होगी 16-17 तारीख ना जाऊंगा, लेकिन नहीं मैं तो आज ही जाऊंगा। तेरी वो बड़ा चला लेगा देख ले, वो है ऑटोमेटिक, अभी एक बार वो देख रहा हूँ उसका कहाँ है। हाँ देख ले, ये रहा डी पी, ये अभी ये आ गए ना पी पे, अभी आ गए डी पे चलेगी, हो बैक लियो पहले कभी आ गए उसमें हमारे शिफ्ट में डी में लूंगा भाई। हाँ। स्टार्ट तो होना रही इधर से, न्यूट्रल है, न्यूट्रल ही रहे ये, कोई वो थोड़ी है ना, न्यूट्रल है। हाँ उसने वो बंद तो करवा रहा, तो निपटाई हो मत कभी से, चल ये थोड़ी तेज बंद हो चाचा। हाँ हाँ ले तो जा रहा ऑटोमेटिक भी चला ले तो है बस, तो अभी वो अब ना छोटा है किसी भी गाड़ी ने। मैं कह रहा हूँ मम्मी ये कुछ ज्यादा ना बोलने लगा है, है? तो मेरा क्यों पीछे पड़ रहा भाई, हर चीज में ज्यादा बोल रहा है। सुन ये छिलका यहीं खा रहा है, यहीं थूक रहा है, थूक अरे रख रहा हूँ भाई यार, रख ना रहा तो ये थूकने लग रहा है। एक संतरा खाऊं, एक भाग खाऊं, छिलके फेंक खाऊं, फिर दोबारा बैठ खाऊं, फिर तो कुछ प्लेट ले ले, थोड़ी सी सेंस भाभी से सिखाओ यार इसको कुछ क्या लेके जाए, इसकी चैन तेने खराब कर रखी, जो खुला पड़ा रहे वैसे ही, ठीक है करियो बंद करियो, ले बंद कर ना रोगो इसने, बंद ठीक है कर। हाँ ये हो गया, मैंने तो कुछ मैं क्यों करूंगा भाई, खराब होगा है दाद का, आज से खराब ना हुआ था पिछले 2 साल में, महंगा बह गए हो है, जब भी खराब होगा ले कुछ अटका रखा था इसने, मैं क्यों अटकाऊंगा भाई यार, तू कर अटका रखा था, चल तो चल मैं जा रहा हूँ, सुन मैं निकल रहा हूँ ठीक है, ले पैसे ले ले कुछ ला, दे जल्दी दे जेब खर्ची के लिए कुछ पैसे ले, ले जा मने ला ज्यादा है पर कोई जय हो जो बच जाओ ले। हाय सुन थार लेके जा रहा हूँ, थार लेके जाओ, और थार चढ़ेगी वहाँ पहाड़ पे, 4x4 का यूज आप करेंगे अम्मी, ठीक है ना, चलो तुम कर लो भाई, हम तो अभी तक कर नहीं पाए। मैंने सोच लिया एक चीज, क्या आके बताऊंगा तेरे को, BMW के साथ जो चीज सोची है, BMW चाबी कहाँ है, BMW चाबी है वहाँ टेबल पे वो पड़ी, समझ गया, ठीक है। हाँ मम्मी जी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं, टाटा बाय बाय, देखना ओके, हाँ जाके आ ही रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, 2 दिन में मम्मी आ रहा हूँ, मम्मी आ रहा हूँ मैं, ठीक है ओके बाय। लेकिन सुनो एक चीज बता दूं आप, अगर मैं वहां थार के साथ कुछ खुरापाती करूं तो टेंशन मत लेना है, थार के मालिक से पूछो तो भाभी जी, है भाभी कोई दिक्कत ना है ना, चढ़ा दो ना पहाड़ बूट पे फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
इजाजत मिल चुकी है मुझे, अब मैं जा रहा हूँ। चलो बाय बाय भाई। मैं अपनी एक चीज शेयर करता हूँ। मैं अभी जब कटिंग वगैरह करवा के आ रहा था ना, तो मैं खाटू श्याम बाबा के बारे में सोच रहा था, और जैसे ही मतलब मैंने सोचा, और जैसे फोन हाथ में था, ठीक है, तो जैसे मैंने सोचा ना कि यार खाटू श्याम बाबा पे जाना, इतने में ही मेरे पास एक कमेंट आई कि आई सजेस्ट यू कि आप खाटू श्याम बाबा पे जाइए। मैं कहा यार जो दिल की थी वो ही बात यहाँ आ गई। तो भाई बहुत जल्दी मतलब ये लगा लो, ये टूर हो जाए, उसके बाद खाटू श्याम बाबा चलेंगे जल्दी। तो चले हाँ चले भाई, चले पता पक्की बात है, खड़ा तो अगर मर्द है तो खड़ा हो जाइए, नहीं रहने दियो, खड़ा होकर गाड़ी में बैठ जाइयो, खड़ा होकर गाड़ी में बैठ जाइयो, अगर मर्द है तो घूमने चल दियो भाई साहब। चले भाई आ जा, अब देख रहे हैं एक बात कही हमने तो, अगर तू मर्द है, हाँ वो क्या ही मर्द, आओ भाई आओ, बस्ता बस्ते की जरूरत ना है, हमी से नए नए सामान ले आते हैं पूरा, बता है नहीं, एक बार ऐसे एक बार वो कर दे छोरा, देखो ये निकला असली मर्द और बैग लिया है अपना। हाँ बंडा कैसा लग रहा है? तुझे तो लग रहा हो ना लग रहा हो, पर हम सब अच्छा लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, दिल से पटेल लग रहा है तुझे? बहुत बढ़िया, सच बताइयो देख, माँ कसम भाई तेरे लिए आयो नुगैदीश ने की पटियाला ने एक बात कही है वो मेरे दिल पे लग गई। क्या कही है भाई? मैंने जो तेना आते ही कही थी, जब मैं आया था जब कही थी तेने पंडा चल दे, ना 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 ना, एक चीज कही थी जो तेने इसके उस पे सवाल उठाया था, दीन धर्म रहवे की रहवे वो है? दीन धर्म पे, ईमान पे, ईमान पे, हां ईमान रहवे, दीन ईमान पे, जो नहीं नु कह दी सके मत लेके बता। हां भाई भगवान कसम नु ही कही है, घर के ने के कही मगर ये समझ लेके जाया करो कहीं ले भाई पटियाला, घर के ने नु कह दी कि आज के बाद अगर तू पंडा के साथ कहीं घूमन गया, ओ भाई ऐसा ना कही, फिर कही बेस्ट कह रहे, तेनू करे इससे मत पूछे करो, मत पूछे करो, मतलब इसे इग्नोर मारो जितना हो सके, नौकरी करने दो पंडा, एम्प्लॉई ऑफ द ईयर बनेगा ये बाप की, पंडा तू अगर घूमेगा फिरेगा ना तो ये जुर्री और ज्यादा हो जाएंगी फेस पे। अब कहा है भाई? हाँ मतलब हो जाएंगी, अभी ना हो जाएंगी, वो वाली बात है, फेस का माथा माथा तो भाई अपनी थार निकल चुकी है हिमाचल के लिए, पहाड़ों पर चढ़ानी है भाई, ठीक है, 4x4 पटियाला आज यूज होएगा, आज के कल यूज होएगा इसका 4x4 भाई। फिलहाल हमें एक बार दोबारा घर जाना पड़ रहा है क्योंकि क्या नाम है वो जैकेट लेके आनी है मुझे, यार नु कह रहे हैं ठंड है पंडा, पंडा तो पहन के वो पंडा तो अभी पहन का आगा, पंडा अभी तो पहन के क्यों आ रहा है, एसी चल रहा है तो उतार दे भाई, अभी कोई जरूरत ना, एसी बंद कर देंगे, कोई दिक्कत ना है। तो गाइस फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने घर, जहाँ से अभी मैं निकल कर आया था वहीं जा रहा हूँ वापस, क्योंकि एक तो मुझे वहाँ से जैकेट उठानी है, दूसरा फास्टैग लेना है क्योंकि टोल पड़ेंगे बहुत ज्यादा बीच में, और मैंने नू लगा लो कई फास्टैग बना रखे हैं, मतलब 10 तो फास्टैग बनवा लिए, और हर फास्टैग में किसी में 1000 किसी में 2000 खामो खा के खराब जावे। बंदा ऐसा रहे कि जैसे कि मैंने फास्टैग बनवा लिया उसमें 2000 रुपया है और वो मैं घर भूल गया और उसके बाद मैंने दूसरा बनवाया, तो जो पहले वाले में पैसे थे ना वे वापस ना आते ना है ना, तो ऐसे ही मेरे में नू लगा लो कई 1000 की चंटी लग चुकी है। अब मैं जाऊंगा अपना फास्टैग उठाऊंगा, अभी भी मैं पढ़ा वो ले लेता। देख रहा है हमारे साथ कौन जा रहा है? कौन जा रहा है ये भाई पंडा की? मैं ना सोच रहा था कि पंडा जाएगा, मैं मेरे हिसाब से तो है कि तुम तीनों जा रहे हो, फिर हमने मेरा क्या सोची, अगर ये ना जाता मैं कह रस्सा उठाया इसने बांदर गिर, इसने हाँ भरी दी, फिर तो फिर केस लगा देता। इससे मत कह करो जरकेन ने मना कर दी सबने, इसके पटियाला अगर रस्सा बांध के इसने गेट तक कौन सा केस लगाता? केस लगा देता भाई, केस लगा देता भाई, लगा घर पे खुद ही कह देता कि किडनैपिंग कर भाई। एक दिन हम वहां गए थे सनी देव जा रहे थे, तो अमीश ने जबरदस्ती लेके गियर क्या भाई, इसने अपनी मम्मी दोर फोन करके मेरा के कही मम्मी मैं किडनैप कर लिया इनने, वो तो हिम्मत चाहिए वो बात भी कहने खातर वैसे है रे। ओए तू था ना उस दिन, तू ना था संदीप, तू था ना उस दिन अपनी मम्मी तेनू कह रहा मम्मी मैं किडनैप कर लिया, हाँ फिर हमने की करा, हमने वो गाड़ी में तो उतार दिया, मैं उतर गाड़ी में, 1 बजे की बात, यू पैदल 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 अपने घर पहुंच लिया, मतलब सोना तो आ रहा था, सोना तो बाद सफर पहुंच गया पैदल। चलो तो गाइज अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो उसको लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना, मिलते हैं फिर नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।